अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। कैशर और मोहम्मद स्कूल चले गए हैं और खुदम उन्हें छोड़ा है दोनों को। बस अब घर का काम काज जो आज की हमारी आज की रूटीन होगी वो हम अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। और ये लड्डू अपने पापा के साथ खेल रहे हैं अभी, और पापा इनके कह रहे हैं मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है। मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ, दोनों चाय पीते हैं फिर चले जाए। लड्डू अच्छा धूप इतनी ज़्यादा आई हुई है ना, बहुत ज़्यादा। चल कोई नहीं, खैर है। मेरे दिल में ख्याल आता है तो जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। वही सुबह सुबह तो गला भी खराब है। क्यों जी अनो रही थी कहीं तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है। चलिए जी सही है जी। तो जी रुखसाना खा रही है घास को, रुखसाना को आज मैंने घास लाके डाल दिया क्योंकि इसको मैं बंडा डाल रहा था और चोकर तूड़ी वगैरह, तो उससे जो है इसको गर्मी हो गई। मैंने कहा खुदा ना खासा कोई और मामला ना हो जाए, तो मैंने वो दो चार दिन दे के बंद कर दिया और अब जो है इसे घास डाल दिया है। ये खा रही है माशाल्लाह से घास। लड्डू नहीं, पानी में नहीं जाना, पानी में नहीं जाना, पहले जुकाम हुआ है आपको है? जुकाम हुआ है नहीं बाबा, पानी में नहीं जाना। और ये मुझे मार रहा है ये देखे। अच्छा बाय 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 बाय, कैसे बाय 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 बाय, ये बाय बाय कैसे बाय बाय। जनाब फिर बर्तन इकट्ठे, सारे बर्तन धोके चले गए, एक भी बर्तन नहीं था यहाँ है ना। लेकिन हो जाते हैं क्या करें, तो बच्चे ने नाश्ता किया ना असल में, बर्तन तो होने ही थे। अब हम रह गए हैं, पहले बच्चों को भेज देते होते हैं कि जाओ भाई। खैर हफ्ते वाले दिन से तो हो सकता है मैं अपने टूर पे निकल जाऊँ। आज भी मुल्तान है तो हफ्ते वाले दिन से मैं शायद उस पे निकल जाऊँ टूर पे, तो उसके बाद जो है फिर पता लगेगा सर। तो ठीक हो गया लड्डू। क्या हो गया? खांसी हो रही है यार बहुत ज्यादा। अरे है बाग को पानी दिया जा रहा है, ये माशा
अपने ही बाग को खुद पानी दे रही है। यार ये इसके अंदर से बाहर किसने निकाली है? बेल? हाँ ये गल सड़ जाएगी इसके अंदर। नहीं, नहीं 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 कुछ भी नहीं होता इसे। पीछे भी नहीं देखी आई इसमें? हाँ हाँ इसके तो फूल 3-4 खिले में। अच्छा हैं भी दो रंग के, गुलाबी और अच्छी गुलाबी, ऐसे ही? हाँ जी। यहाँ भी माशाल्लाह वाइट गुलाबी और ये। अच्छा ये नहीं सही में। अच्छा यार ये भी चल पड़ी है? जी जी, तो मैं आपको कह रही थी मुझे ला दें। यार उस तरफ जाना नहीं हुआ। अच्छा अगर आज आना हुआ ना उस साइड से? उस साइड से आना भी नहीं होता, मदनी चौक से आ जाता हूँ तुम्हें पता है, रात भी मैं मदनी चौक से आया हूँ। मोटरसाइकिल की हेडलाइट तो आपने ठीक करवाई नहीं थी? हाँ यार टाइम ही नहीं मिला उसे। अच्छा आज आके ना उसे इरफान खान की दुकान पे खड़ी कर दूँ, उसे कहता हूँ इसकी हेडलाइट वगैरह सही करवा के दे। मीटर भी तोड़ दिया ना कल उसने, इरफान ने मीटर टूट गया मेरा। क्यों? वो कल मैंने लेदर डलवाया ना, उसने कहीं वो मीटर के उस पर हैंडल पे हाथ मारा। अच्छा। वो मीटर हाथ में आ गया, वो मीटर एक साइड से टूट गया। तो इस तरह नहीं दिया करो यार, ऐसे तो सिर्फ बाहर बाहर दिया करो। इनमें तो ऐसे ही आता है। चलो वो भी आ गया तोड़ने के लिए। और उसमें इसमें पानी भर दो जरा, इसमें और इसमें पानी भर दो। उसमें मैं भर दूं? ये दे, ये आ गया वाला मेरे पास। इधर आओ मेरे पास। और शोर इसका कितना होता है? किसका? इसका, इस लड़के का। ये कहता है बस मेरी सुनो। ये गमला जो है इसकी भी करते हैं सेटिंग अब। वहां से वो गंद उठे ना जब भी। हाँ जी। अगर आप कल उठा दें इस गंद को तो? कल तो मैं उठा दूंगा, मसला ही कोई नहीं। चलो अच्छा देखता हूँ मैं जरा। जी चलो चाय डालो फटाफट, मैं निकलूंगा। चलो मैं बस चाय डालनी है इसमें और बात खानी। बल्कि आप ऐसा करो चाय पियो, मैं लेट हो जाऊंगा फिर, मैं कपड़े बदल के निकलता हूँ। ठंडी कर दो चाय। चलो ऐसे कर लो जैसे भी करना, मैं नहा लूँ जरा कपड़े बदल। तो चाय तैयार हो चुकी है, चाय मैंने कपों में डाल ली और अब ये हमारी बात खानी। आ लड्डू, लड्डू नहीं आ रहा है, इसे भेज देना मेरी तरफ। आ जाओ लड्डू, आ जाओ पापा ना के आ गए, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ जाओ आपको भी खिलाऊं। आओ खेल रहे इस वक्त में। जनाब तैयार हो गए? हाँ जी जनाब। तो नाश्ता भी इन्होंने कर लिया, ना धोकर ये तैयारी पकड़ ली और अब जाने की तैयारी। पतीसा बेचने वाला भी आ गया। लड्डू बाय 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 बाय। सारे घर के भी सफाइयाँ बाकी हैं। बर्तन मैंने रात जो धोए थे वो धो दिए थे, अब सुबह फिर धो गए हैं। रात मुझे कह रहे थे मैं धो दूंगा, रहने दो सुबह। मैंने कहा मुझे पता जो साँप ने धोने हैं, टाइम ही नहीं था यार। फिर मुझे पता होता ना, इसीलिए मैंने रात धो दिए थे सारे। क्योंकि बच्चे छोड़ गए घास लेने गया, घास लेके आगे दूध लेके आया, फिर आगे बैठ के नाश्ते के। शायद आपने भी ब्रांड बनना है। मैं तो वैसे ही ब्रांड हूँ। माय नेम इज ब्रांड, तुम्हें पता ही है बड़ी ब्रांड। ये फिर तो भी ब्रांड की कितनी होती है वो तो और ब्रांड है। अच्छा ये और ब्रांड है। अच्छा ब्रांड ब्रांड का भी फर्क होता है। अच्छा लोकल ब्रांड और इंटरनेशनल ब्रांड में फर्क होता है। ये भी बात है, इस चीज का मुझे नहीं पता था। बट इस चीज का मुझे नहीं पता था। बट आपको पता भी नहीं लगना, बट कब आया कब गया पता भी नहीं। ओके ये तो बात सही है। या लेकिन लेकिन ओके अल्लाह हाफिज़। फ्रेश फ्रेश मैं हो गया फ्रेश फ्रेश। ओके जी ओके अल्लाह हाफिज़। यहां से सारी मैंने साफ सफाई कर ली है बाइक से भी, और ये तो कपड़े धोने वाले हैं।
कसम से जब धूप आ जाती है ना बहुत मुश्किल बनती है सफाई की। फिर ऐसे सहन में से सफाई करना कमरों की तो चलो आसानी है, वहाँ तो धूप नहीं आती ना, इसलिए कैक्शन मोहम्मद स्कूल गए हैं, मैं खुद हम अपनी वर्किंग पे चले गए हैं। फिर ये जो कल के कपड़े सूखे हुए मैंने कहा क्यों ना इन्हें भी उतार लूँ, लड्डू थोड़ी देर सोया, तब तक मैंने पूरे घर की झाड़ू लगा दी। पूरे घर की झाड़ू मेरी यकीन माने और डस्टिंग में एक घंटा मेरा लग जाता है, इतना बड़ा घर है। कभी तो अल्लाह अपना देगा ना, इंशाल्लाह ज़रूर देगा। अच्छा जो चीज़ नहीं होती ना इंसान के पास उसमें भी कोई अल्लाह की भलाई होती है, अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कोई भलाई होती है, शायद इसमें भी हमारे लिए कोई भलाई हो। और जब मेरा अल्लाह देने पे आता है तो बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है अपने अपने बंदे को। आगे बंदे को चाहिए कदर करना है ना। एक बार सारे यहाँ पे रख इस जगह पर, उनकी तय ना बाद में ही लगाऊंगी, पहले ना किचन के जो बर्तन है ना मेरा दिल है थोड़े से ना वो धो लूँ, थकावट भी काफ़ी हुई है। फिर सोच रही हूँ 5-10 मिनट आराम करूँ फिर काम काज करूँ। अब धूप तो आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा, जितनी मैंने वहाँ रख दी हैं क्योंकि फिर पहननी पड़ती हैं। ये यहाँ पे गिर गई थी पिछियाँ भी। अच्छा फूल अब खिले हैं बहुत ज़बरदस्त है, बड़े प्यारे प्यारे। खुद हमको कह रही हूँ कि ये वाले ये मुझे ला दें, ला के ही नहीं दे रहे हैं, हालांकि सिर्फ उनसे कटिंग लेनी होती है, पहले ही मैं वहाँ से कटिंग लाई थी। बच्चे क्या खाएंगे आकर, उनकी मुझे बहुत फिक्र लगी है। चले कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अभी तो उनके आने में भी 1.5 घंटा रहता है, नहीं 1 घंटा, अभी हुए हैं जी 11:30, फिर 1 घंटा रहता है, 12:30 बजे उनकी छुट्टी होगी, 1:15 बजे वो घर पहुँचेंगे। क्योंकि आज तो उनके पापा नहीं हैं जो उन्हें लेके आएंगे, मुझे ख़ास करके अक्षा की बड़ी फिक्र होती है, वो बच्ची है तो ओन मोहम्मद भी बच्चा है। आजकल बच्चियों के साथ अल्लाह माफ़ करे क्या कुछ नहीं हो रहा है, अल्लाह ताला तमाम बच्चियों की जो इंसान है हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह तमाम बच्चियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब तो जब से ये वाक़या हुआ है ना पंजाब कॉलेज का, तब से जो इंसान दिल डरने लग गया है, बच्चे अपने ना घरों में महफूज, ना स्कूल में महफूज, ना मस्जिद में महफूज, कि ऐ अल्लाह इस दुनिया का क्या बनेगा, तो अपना रहम कर ना करम कर तमाम दुनिया पर। आज हवा बंद है, आज हवा नहीं चल रही। सच बताना तो भूल ही गई कि मैंने ये पालक ली है, ये पालक की कटिंग करूँगी, कटिंग करके रख लेती हूँ, मेरे दिल से दोपहर में बना लूँ। तो बर्तन भी मैंने ना सारे धो लिए हैं, मैंने कहा साथ ही इन्हें भी धो लूँ, और ये पर्दा डाल लूँ यहाँ पे ना। रह गए मैं सिर्फ अब कपड़े धोने वाले, अब वो मैं बाद में धोऊंगी, पहले ना मैं पालक काट लूँ, पालक काटने के बाद ही जो भी काम होगा फिर देखूँगी। फिर सोच रही हूँ कि 10-1 मिनट आराम कर लूँ, आराम करूँ और फिर इस काम पे लगूँ। तो जी बच्चे कच्चे हमारे जन से ना ये स्कूल से आ चुके हैं, और इनके आने से पहले ही ना मैंने पेड़े बना के रख लिए हुए थे, ये देख लें मैंने पेड़े बना कर ना यहाँ पे रख लिए थे, ताकि मैं जैसे ही है इनको ना पराठे बना के मैं दे दूँ। पराठे के साथ क्या लेना है माँ? वो सालन तो है नहीं। सालन है नहीं, अंडा बना दो। हाँ जी एक बना, एक ले आते हैं वो बना दे आप हमें। शाम के लिए तो मैंने पालक ली है, ठीक है शाम को ना आलू पालक बन जाएंगे।
वो कहते हैं टमाटर की चटनी कहते हैं वो बना दो जो दिल चाहता है। टमाटर की चटनी बना लेते हैं। टमाटर की चटनी बना ठीक हो गया और कोई हुक्म नहीं बस कपड़े चेंज कर लिए मैं और मोहम्मद ने भी कैक्शा ने भी स्कूल से आते और ये अब अपना जनसन ये देना कपड़े चेंज करके इसमें काम करते हो और मोहम्मद आपने नहीं की ऐसे कपड़े बदल रहे हो। अच्छा चलो मैं पराठे के साथ ना मेरा आपका चटनी बना देती हूँ और आपको भी और वो देखना अंदर से कुछ प्लेट दो मुझे सारा काम मैंने कर लिया मैंने धो दी है आपका तो एक दुपट्टा बाकी कपड़े धोने वाले मैंने कहा जी जी क्या हुआ आप गीला कर लाई इसे ये बाद दूसरे धोतियों वाला जी जी। अच्छा गर्मी आज बहुत ज्यादा हुई है बहन भाइयों बता नहीं सकते आज गर्मी बर्दाश्त नहीं हाँ जी क्या हो गया है लड्डू टमाटर मैंने काट लिए अब मुझे अम्मा जी टमाटर काट के भी ले रहे कि मम्मा रोटी बना रही है तो पराठे इसमें सिर्फ मैं ना काली मिर्च डालूंगी बस सबक मिर्च भी नहीं डालूंगी सही हो गया ना। हाँ तो कब्बा बोल रहा है अरे तो मेहमान आएंगे हो सकते आ जाएंगे तो मेहमान तो हमारे घर माशाल्लाह आना जाना कर रही है और है ना इसमें डालू मैं काली मिर्च जीरा तो है नहीं काली मिर्च और नमक ही डाल देती ठीक है जी। चम्मच नहीं दिया मुझे चम्मच नहीं कैसा आपने मुझे दी। अच्छा फिर वो कहते हैं ना रोज कहता हूँ ये बात भूल जाऊँ रोज ये बात भूल जाता हूँ फिर ऐसे ही होता है। जाएगी सिर्फ ये काली मिर्च बस ये इतनी सी और पहले मैं इसमें जीरा और सबल मिर्च भी डालती थी सब बहन भाइयों को पता है। अगर इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल लेना इतनी मज़ेदार चटनी बनती है ना बहुत ज़्यादा डाल लें नहीं अपनी बस देर होगी है आप लोगों को भूख लगी है उनके सालन आ रहे मैंने कहा चलेगी यही काम कर देते हैं। अब चटनी में गुजारा करते हैं डाल दो मजे लो सर क्या जी लसन हाँ जी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चटनी से ना इसमें हल्का सा पानी भी जाएगा पहले तो ये ऐसे ही बनेगी ना। हाँ जी खाओ जी खाना ठीक है ये भी तो खराब है।